शादी। देखो महेश और दीपा, तुम लोगों ने इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद भी शादी करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। इसी तरह लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, एक दूसरे के साथ ही रहना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैडम ये भाषण बंद करेंगे आप? टीवी एंकर की तरह आप बोलती जा रही है। ये दोनों कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, ये भी हमारे साथ आएंगे यार। देख महेश, वैसे ही बहुत लेट हो गया, अभी निकलेंगे तो रात तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है ना? तो एक काम करो, ट्रैवलिंग वाले कपड़े पहन लो ताकि तुम दोनों थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सको। सर बिल अभी पे करेंगे, बिल रूम में भेज दो। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय। अब चल भी यार। ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं है। जीप यहाँ पर क्यों रोक दी? अरे यार, हम यहाँ क्यों रुके हैं? अरे यार, वो लोकेशन मैनेजर का फोन आया था, उसने ये रुकने को बोला। कोई नया डायरेक्टर है, वो यहाँ आकर हमें स्टोरी सुनाएगा। ये इसी ढाबे पे रुकने को बोला था यार, तो अब रुकना पड़ेगा ना। ऑल द बेस्ट यार, हमारी शादी के बाद तुझे ये चांस मिला है। थैंक यू यार। ए श्रीधर, पानी देना यार। श्रीधर, पानी देना। इसे क्या हो गया, इतना शांत क्यों है ये? श्रीधर क्या हुआ? ये तू इतना उदास है, बात क्या है यार? कुछ बोलेगा? क्या हुआ श्रीधर, क्या बात है? ए क्या हुआ, बोलो ना। हुआ क्या है, बोलेगा? तू रो क्यों रहा है? ये तेरे हाथ में क्या दिखा? ये मेरी माँ की फोटो है सर। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। इस खुशी के मौके पे मैं ये बात बताना नहीं चाहता था सर, लेकिन क्या करूं, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा सर। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ सर। श्रीधर, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डोंट वरी। प्लीज यार, अपना मूड ठीक कर लो। ये डॉल बहुत क्यूट है। देखिए मैं ढाबे पर पहुंच गया हूँ, आप कहाँ पर हैं? हाँ, वही रेड वाले ढाबे पर। ओके यार, वो रास्ते में, बस 5 मिनट में आने वाला। सुना भाई, डायरेक्टर यहाँ के स्टोरी सुनाने तक 1 घंटा तो लग जाएगा, हम वॉक करके आते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, तुम जाकर अकेले घूमा। मैं हूँ ना तेरे साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ा है। दुनिया में बहुत लोगों को प्यार मिलता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अलग हो जाते हैं। प्यार करने वालों के लिए शादी करना लक की बात है। We are so lucky. हेलो, कहाँ पर हैं आप? आज दिन कौन सा है? मंडे। आज हमारी शादी का दिन है। मेरा नाम क्या है? क्यों? बोलो ना। दीपा। नहीं। फिर? मिसेस दीपा महेश। ओ। इसी बात पे मैं तुम्हें एक स्वीट दोगे? नहीं। रात को हम दोस्तों के साथ ही रहेंगे क्या, बताओ मुझे? पहले रात को जाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओहो, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये लोग कहाँ चले गए? हमें छोड़कर साइट सीइंग करने गए हैं क्या? दीपा तुम इधर ही रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। बी केयरफुल। हाँ ओके, लव यू। महेश, आई मिस यू। कहाँ चले गए? प्रजन, मैं महेश बोल रहा हूँ यार। मैं प्रजन नहीं हूँ। पर ये नंबर तो उसका। हाँ, उसका है, लेकिन मैं तेरा दोस्त नहीं, दुश्मन हूँ। कौन है तू? मैं कौन हूँ तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मेरे दोस्त कहाँ है? तेरे फ्रेंड्स अब तुझसे बात करने की सिचुएशन में नहीं है। हे, उनको क्या हुआ है?
उनकी जान अब खतरे में लटक रही है। मैंने तेरे दोस्तों के फोटोज और MMS तुझे भेजे हैं, तूने देखा नहीं क्या? तू ऐसा क्यों कर रहा है? उनसे क्या गलती हुई है? उन लोगों ने कोई गलती नहीं की, गलती तो तूने की है। मैंने क्या किया है? तू ऊटी आया, ये पहली गलती है। फ्रेंड्स के साथ आया, ये दूसरी गलती है। अब बीच में मत बोलना, मैं जो बोलूंगा वो उसे सुन। ठीक है, सुन रहा हूँ। अगर तेरा लव इम्पोर्टेंट है तो इस सिटी को छोड़कर जा, और अगर अपने फ्रेंड्स की जान बचाना चाहता है तो मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। बोल, कैसा गेम? गेम ऑफ डेथ। अगर एक घंटे के अंदर अपने फ्रेंड्स को नहीं ढूंढ पाया ना तो मैं उनकी जान ले लूंगा। नहीं, उनको कुछ मत करना, मैं ढूंढूंगा। परेशान मत हो, ये गेम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरे बोलने से ही गेम स्टार्ट होगा। मैंने तेरे सारे दोस्तों को इसी जंगल में छुपा कर रखा है, अगर तूने उन्हें जल्दी ढूंढ लिया तो तू उन्हें बचा सकता है, लेकिन अगर देर की तो उन सबको मरना होगा। और अगर कोई होशियारी करके तू पुलिस के पास गया या किसी को इस गेम के बारे में बताया तो फिर तेरे दोस्तों की मौत का जिम्मेदार तू होगा, समझ गया ना? पहले मुझे ये पता आना कहाँ है। गुड, सीधे पॉइंट पे आ गया। तू जहाँ पे खड़ा है वहां से सीधे आ गया, वहां एक पेड़ पर एक सेल फोन होगा, उस फोन को उठाकर अपना सेल फोन वहीं रख। फिर आगे का उस फोन में बताऊंगा, अपनी घड़ी देख। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की जान प्यारी है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटे का टाइम है, और अगर तुम एक घंटे में उन्हें नहीं बचा पाए तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। योर काउंट डाउन स्टार्ट्स, गो। दीपा कहाँ होगी? दीपा, ये कैसा मजाक है? ये मजाक का वक्त नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? हमारी सिचुएशन के बारे में पता है तुम्हें? हमारे फ्रेंड्स कहाँ है पता है तुम्हें? उन्हें किसी ने किडनैप किया है। ये क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुझे भी नहीं पता। उसने फोन करके कहा अगर प्यार चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, और अगर फ्रेंडशिप चाहिए तो जंगल में आओ। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है दीपा, हमें अपने फ्रेंड्स को बचाना होगा। आ जाओ। उसने कहा था जंगल में एक फोन होगा, वो यही है लगता है। तो ये फोन वही होगा। बात करो ना। हाँ, हेलो। वेरी गुड, दिए हुए टाइम से पहले ही आ गए हो तुम। कौन हो तुम? क्यों हमें टॉर्चर कर रहे हो? कितनी बार पूछेगा एक ही सवाल? मेरा पावर देखा ना, तुझे तेरे दोस्त जिंदा चाहिए या नहीं? ए, तू क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? मुझे मेरे दोस्त जिंदा चाहिए, मैं आ गया हूं ना जंगल के अंदर। ओके, उससे पहले तुम जहाँ खड़े हो अपना फोन वहीं रखकर वहां से आगे बढ़ो। क्यों? जो मैंने बोला वो करो। रुको,
रख दिया। वेरी गुड, तुम जहाँ हो वहाँ से कुछ दूर दौड़ कर जाओगे तो एक पहाड़ मिलेगा, वहाँ तुम्हारा एक फ्रेंड है, जाकर उसे बचा लो। लेट मत होना। जरूर जाऊंगा, तुम कुछ मत करना उसे। नो 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 नो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे दोस्तों को तुम ही बचा सकते हो या तुम ही मार सकते हो। पर मैं मेरे फ्रेंड्स को क्यों मारूंगा? यही है गेम ऑफ डेथ। चलो। अरे फोन, महेश, महेश क्या बोल रहा था वो? थोड़ी दूर चलेंगे तो एक दोस्त को बचा लेंगे, चलो। अरे तुमने फोन वहां क्यों रख दिया? उसने वहां रखने को कहा। उसने कहा तो हम फोन रख देंगे, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? चलो हम हमारा फोन लेकर चलते हैं, हमारे फ्रेंड्स उससे भागकर अगर हमको कांटेक्ट करेंगे तो। ठीक है। हाँ। फोन? हाँ, किधर गया? कहाँ है? कहाँ गया होगा? दीपा, लगता है हमें कोई फॉलो कर रहा है। वो इधर ही होगा, तुम नंबर डायल करो। आउटगोइंग बंद है। हाँ,